हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शौकत और आज मैं डिस्कस करूंगा आरईपीएल की वो दवाई जो कि अस्थमा यानी हाफानी के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये एस्मोरिन आरईपीएल कंपनी का डॉक्टर एडवाइस नंबर 17 ड्रॉप्स है। ये जो मेडिसिन है ये अस्थमा के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसका जो इंडिकेशन लिखा है लंग्स चेम्बर स्पैजम्स कार्डियक एंड ब्रोंकियल अस्थमा, यानी कार्डियक और ब्रोंकियल दोनों तरह का अस्थमा के लिए ये एक इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका मैन्युफैक्चर है आरईपीएल कंपनी। अब इसका जो इंडिकेशन है इसमें एपिकाकोना मदर 3x लगा हुआ है, एकोनाइट नेपेलस 6x पावर में दिया हुआ है, इसमें एंटीम टाटारिकम 6x पावर है, अर्सेनिकम एल्बम 6x पावर है, नेटम सल्फ्यूरिकम 6x है और इसमें एस्पिरोस्पोरम मादर टिंचर मिला हुआ है और कार्बो वेजिटेबल्स 30x पावर में मिला हुआ है। ये सारी दवाई जो होम्योपैथी दवाई है ये हर तरह का अस्थमा में ये दवाई कुछ ना कुछ काम होते हैं। ये इस तरह से बना हुआ है कि ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियक अस्थमा दोनों में ही ये दवाई काम आते हैं। अब इसका डोज कितना है, ये 5 से 15 बूंद थोड़ा सा पानी में मिला के इसको 3 से 4 बार डेली इसको खाना होगा। 5 से 15 बूंद अगर बहुत खूब काम हो तो उसको 5 बूंद से ही काम चल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है और बहुत क्रॉनिक केस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको 15 बूंद आपको 4-5 बार 6 बार आपको देना होगा। ये एक होम्योपैथी दवाई है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये दवाई को डालने से पहले थोड़ा सा इसको शेक कर लेना है, इसको मूव कर लेना है ताकि जो मादर टिंचर वो अच्छी तरह से बॉटल का नीचे अगर स्पेसिफिकेट हो रहे तो उसको शेक करने से वो मिल जाए, इसीलिए इसको थोड़ा सा जार करके फिर लेना है। ये कितना दिन लेना है ये डिपेंड करेगा, ये बीमारी जब तक परसिस्ट करेगा तब तक इसको खाना है। इसका MRP है 170 रुपीस और इसका एक्सपायरी डेट भी बहुत ज़्यादा है, 5 साल के ऊपर है, 5 years। तो फ्रेंड्स, जो भी आप लोग का ऐसी समस्या है आप ये दवाई देख सकते हैं और इसके इफेक्ट बहुत अच्छी है। और अगर आप लोग को कुछ सवाल है, मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।